उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी दल के प्रत्याशी जनता से मिल चुके हैं, मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से आजमगढ़ नगर पालिका परिषद से सरफराज आलम मंसूर को सपा प्रत्याशी बनाया गया है। आजमगढ़ में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होना है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सरफराज आलम मंसूर ने कहा कि मैं पार्टी का हूँ और सभी वरिष्ठ और सम्मानित नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी मेहनत को पार्टी ने सराहा और पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, मैं इसके लिए बहुत ही आभारी हूँ। और चुनौतियां तो बहुत हैं, इस तरह की तमाम बातें उनके द्वारा कही गई हैं। देखना होगा कि चुनाव के बाद रिजल्ट किस तरह से सामने आते हैं। इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ और धन्यवाद। मुद्दे से संबंधित अगर बात करूँ तो चुनौतियाँ बहुत हैं और बीमार पड़ी बिल्कुल नगर पालिका, जिसे मैंने खुद अपने निजी जीवन में इस बीमार पड़ी पालिका का प्रभाव जब महसूस किया तो फिर मैंने निर्णय लिया कि किसी जिम्मेदार इंसान को आके इसकी जिम्मेदारी उठा दो, अपनी पालिका को फिर से हरा भरा बनाने का काम करने की उद्देश्य से हम लिया गया। और हमेशा से ही समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार रही है, जब भी रहा है, तो आपने देखा होगा कि आजमगढ़ नगर में बहुत व्यापक रूप से सारे प्रोग्रेसिव वर्क होते रहे, तो इसलिए हमने ये प्रयास किया। और आप देखेंगे कि शीघ्र ही अगर आजमगढ़ की आवाम ने, आजमगढ़ नगर पालिका की जनता ने अगर हमारे हाथ को मजबूत किया, जैसा कि समाजवादी की पार्टी का प्रतिनिधि का जब भी आजमगढ़ ने साथ दिया है, तो आप आजमगढ़ को फलता फूलता लोगों ने देखा है, तो आगे भी वो सिलसिले व तरीके से वो चीज़ें आपको दिखाई। कब नामांकन कर रहे हैं आप? अभी अपने वरिष्ठ लोगों से इसका मशवरा करके अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल ही, या फिर नहीं तो आगे एक दिन और आगे बढ़ा, जुमा के दिन हो सकता है कि जैसा होगा आप लोगों को जानकारी। पद पर ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या राजनीतिक अनुभव रहा कि जिसके आधार पे आप उसको आगे और बढ़ाने का काम करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अपने नगर पालिका की सेवा करने के लिए राजनीति का अनुभव होना ना होना ये तो बात मैं बहुत दोनों ने सोचता हूँ, लेकिन आजमगढ़ में जो लोग भी मुझको, मेरे परिवार को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनको पता है कि हम समाज के सुख को पीछे बढ़े, एक लंबे समय से हम लोग भागीदार हैं, तो मुझे लगता है कि सेवा करने के लिए अनुभव नहीं है तो वो हो जाएगा। सेवा का अनुभव हमें है तो हम करेंगे सेवा, इससे हमको लगता है पूरे नगरवासी आश्वस्त हैं इस बात पर। और इसी बात को लेके हमारे इतने ही दिनों में बड़ा अच्छा लोगों का सपोर्ट हमें है, और हर वर्ग के लोग हर चीज़ के ऊपर, हर बेकार की चीज़ों की से ऊपर जाके हमको सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं लोग, और उससे हमको बड़ा प्रोत्साहन। हम ये आगे भी चाहेंगे कि लोग करें और अनुभव में क्या हो जाएगा। अभी प्रत्याशी लोग नगर को स्वच्छ और विकास के पथ पर ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या राजनीतिक अनुभव रहा कि जिसके आधार पे आप उसको आगे और बढ़ाने में काम करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अपने नगर पालिका की सेवा करने के लिए राजनीति का अनुभव होना ना होना ये तो बात मैं बहुत जरूरी नहीं सोचता, लेकिन आजमगढ़ में जो लोग भी मुझको, मेरे परिवार को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनको पता है कि हम समाज के दुख सुख के बड़े, एक लंबे समय से हम लोग भागीदार रहे, तो मुझे लगता है कि सेवा करने के लिए अनुभव नहीं है तो वो हो जाएगा। सेवा का अनुभव हमें है तो हम करेंगे सेवा, इससे हमको लगता है पूरे नगरवासी आश्वस्त हैं इस बात से, और इसी बात को लेके हमारे इतने ही दिनों में बड़ा अच्छा लोगों का सपोर्ट हमें है, और हर वर्ग के लोग हर चीज़ से ऊपर, हर बेकार की चीज़ों की से ऊपर जाके हमको सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं लोग, और उससे हमको बड़ा प्रोत्साहन हो रहा है। हम ये आगे भी चाहेंगे कि लोग करें और अनुभव का क्या हो जाएगा।